दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आरपीएस सवाना सोसाइटी के बाहर हैं और आज आरडब्ल्यूए ने इस सोसाइटी को टेक ओवर कर रखा है बिल्डर से कोर्ट के ऑर्डर पर। अब जो पुरानी सिक्योरिटी वाले थे ये सैकड़ों लोगों को बाहर निकाल दिया है, यानी कि इनका काम खत्म हो गया है। अब ये एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं और जो नई सिक्योरिटी है उन्होंने सोसाइटी को टेक ओवर कर रखा है। आप लोग देख रहे हैं उनका जो है जो वर्दी भी अलग ही है। आप लोग देख रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं नई सिक्योरिटी वाले, उधर गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। तो ये सैकड़ों लोग एक तरह से कहें बेरोजगार हो गए हैं। अब ये परेशान हैं, जाएं तो जाएं कहाँ, ये इसी सोच में खड़े हैं कि अब कहाँ जाएं, परिवार को कैसे पालें। तो थोड़ा इन लोगों से ही बातचीत कर लेंगे, पूछेंगे कौन सी सिक्योरिटी थी और इनको निकाल बाहर क्यों कर दिया गया। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम रोहित सिंह जी। अच्छा जी, क्या हुआ आप लोगों के साथ? मैं यहाँ पर जी पिछले 2015 से ज्वाइनिंग है मेरी, मैं एज ए सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे। तो अभी आरडब्ल्यू ने बिल्डर से हैंडओवर लिया, ठीक है सर। ना हमारे पास बिल्डर का कोई नोटिस था, इन्होंने जबरदस्ती की पुलिस बुलाई, पुलिस बुला के हमें बाहर कर दिया। हमारे साथ लगभग 110 लड़के हैं जो पिछले कोई 10 साल से कोई 15 साल से कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा है, वो हमारी कंपनी के साथ ही जुड़े हैं। क्या नाम है कंपनी का? सेंटिनल सिक्योरिटी। अच्छा जी, ठीक है जी, सेंटिनल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये चित्रंजन पार्क में हमारा ऑफिस है जी, हेड ऑफिस। अच्छा, वहीं से भर्ती वगैरह ज्वाइनिंग होती है। हमारा लगभग अभी 1.5 करोड़ समथिंग पेंडिंग है, वो हमें अभी देने का कोई मतलब किसी ने कुछ बोला नहीं। आरडब्ल्यू आई, आरडब्ल्यू का आप खाली करो जी, हमें खाली करके यहाँ भगा दिया गया और अपना SLB नई सिक्योरिटी इन्होंने बुलाई है, उसको अंदर ले गए। अच्छा जी, ठीक है सर। अब इतने लोग लड़के हैं ये सब ड्यूटी के तलाश में, आज भी कुछ लोग यहाँ ड्यूटी आए, मैं भी आज दिन में ड्यूटी आया हूँ, कुछ रात में, कल की आंखें देखो आप लाल पड़ी हैं, ठीक है सर। तो ये भी हम भी गरीब, सब गरीब हैं, कोई ऐसा है नहीं कि लैंडलॉर्ड है। रात तक आपने ड्यूटी की मतलब? हाँ जी, मैं दिन में बाहर फेंक दिया। हाँ जी, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं, जबरदस्ती की गई आरडब्ल्यू की तरफ से और हमें यहाँ पे। तो आप लोगों ने बोला नहीं भाई हम ही से काम चला लो, हम ही सिक्योरिटी के रूप में रख लो आप, जो आपको कॉन्टेक्ट? नहीं सर, देखो एक लगाव होता है अपना, एक कंपनी का अपना लगाव होता है। अब पिछले मैं 8 साल से इसके साथ कर रहा हूँ, उसने मुझे आज तक कोई दंड नहीं दिया, कोई मेरे पर दबाव नहीं डाला, प्यार से चल रहा है। इनके सबके साथ भी आप खड़े कर दो, इनके 100 क्लाइंट खड़े कर दो, हमारी सिक्योरिटी को अगर कमी बता दें तो, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे मैं कह रहा हूँ और दिल ठोक के कह रहा हूँ जी, अगर वो बता दें कि हाँ जी आपकी सिक्योरिटी लैब्स यहाँ पे था, बिल्कुल ठीक है जी। अभी लोग मिल के गए हैं, लेकिन एक जबरदस्ती भगाना अलग बात है, उसका भी कहाँ जाएंगे सर आप बताओ, नाइट ड्यूटी करके खड़े हैं, पूछो जी। आरडब्ल्यूए ने जो टेक ओवर किया है उनको तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था भाई आप इसको टेक ओवर कर लीजिए, लेकिन उन्होंने आपको लगता है गलत यही किया कि आप लोगों को बाहर कर दिया और नई एजेंसी हायर कर दी? नई एजेंसी हायर। अच्छा, सबकी यही समस्या है भैया? अच्छा, नाम बताइए आप। मैं पुष्पराज सिंह, सेंटिनल सिक्योरिटी से ऑपरेशन मैनेजर। अच्छा जी। अच्छा, क्या है कि सर एक नोटिस देना चाहिए, जो हमें कि कोई नोटिस नहीं मिला, कोई प्री इन्फॉर्मेशन नहीं था हमारे पास। अब लड़के रात तक ये सोच के आ रहे कि हम ड्यूटी करेंगे, सुबह वाले लड़के हमें ड्यूटी पे आए, एक टीम ने मिलके गेट पे खड़े हो गए, हमें एंट्री नहीं दी। अच्छा। जो लोग यहाँ 7 साल 10 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, बने हुए हैं, उनको अंदर एंट्री नहीं देना तो सर बहुत बड़ी बात है। हमारा पैसा, हमारी कोई लड़ाई झगड़े की मांग नहीं थी, हमने सिर्फ ये कहा कि हमारा जो ड्यूज है 1,53,00,000 रुपए हमारा ड्यूज है, आप हमारा ड्यूज क्लियर कर दीजिए और हम चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबरदस्ती दूसरे सिक्योरिटी को पुलिस वर्क का प्रयोग करके जबरदस्ती अंदर ले लिया गया SLV को और हमें ऑन द रोड बाहर कर दिया गया। तो जो आपका ड्यूज है वो तो बिल्डर को देना चाहिए था ना, जिन्होंने आपको हायर कर रखा था। अगर ड्यूटी हम यहाँ कर रहे हैं तो बिल्डर ने थोड़ी कहा हमें भाग जाओ आप, अगर आप भगाओगे नहीं, कोई तीसरा हमें भगाएगा तो बिल्डर कल को कहे जी हमें थोड़ी भगाया, आप तो अपने आप भाग गए। ये भी तो एक सोचने वाला वो है ना जी, कि आप मालिक हो, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। पिछले 8 ये तो है नहीं, 2 महीने से हमें 8 साल से हैं। हमें बिल्डर या SWA जो यहाँ पर एसोसिएशन नहीं बनी है, दोनों में से किसी की तरफ से नोटिस नहीं दिया कि हम रिमूव कर रहे हैं। अगर वो रिमूव हमें करते हैं या हमें बताते कि हम आपको रिमूव करेंगे इन फ्यूचर, तो हम अपनी उसके हिसाब से तैयारी रखते हैं। हमें तो अचानक सुबह पता चला कि हमें हटाया जा रहा है। अगर हमें पहले कोई इन्फॉर्मेशन होती, कोई नोटिस होती लीगल कि भाई आपको अगले तारीख, इस महीने की इस तारीख से नहीं आना है, तो हम अपनी तैयारी करते। अचानक हमें मॉर्निंग में आने के बाद पता चलता है कि भाई कल से आपको, आज से आपको हटाया जा रहा है, आपको नहीं आना है, तो ये तो हमें तत्काल में बताया गया ना। इसमें तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाए? अब इतने लोग, कोई बिल्डर से भी आके नहीं सामने मिल रहा है। इतने लोग यहाँ पे हैं, 100 लोग हैं कम से कम, हर किसी की फैमिली है, हर किसी का परिवार है, हर कोई बेचारा किराए पे रहता है, कैसे वो एकदम से
कर पाएगा कुछ। तो सबसे बड़ी समस्या है कि इनको हमें प्री इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। प्री इन्फॉर्मेशन नहीं भी दिया तो आप हमारा ड्यूज क्लियर कीजिए, हम उस हिसाब से सब कुछ सेटल करेंगे। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या, ड्यूज नहीं क्लियर किया, एकदम से हमें भगा दिया गया। हम ये हमारे एम्प्लॉई, हम इनको कहीं और लगाएंगे, कोई इशू नहीं है। हमारे जो पैसे यहाँ पर फंसे हैं वो हमें मिलने चाहिए। तो पैसे फंसे वो मिलने चाहिए, अगर पैसे मिल जाएंगे तो इनका काम चल जाएगा, एक दो महीने कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाता है। लेकिन अब इनको ड्यूज जो इनका बकाया है वो नहीं किया गया और इनको बाहर कर दिया गया। सबकी यही समस्या है, कल तक ये यहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे लेकिन आज इनको ही बाहर कर दिया गया, ये गेट पर खड़े हो गए हैं। और जो नई एजेंसी है उन्होंने टेक ओवर कर रखा है, आप लोग देख रहे हैं गेट पर भी भीड़ है जो है। और जो RW है उन्होंने भी कई दिनों से सोशल मीडिया पे मैसेज जारी किया था कि हम इसको टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेज नहीं दिया था कि भाई सिक्योरिटी को हम बदल देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं दिया था। और आप लोगों को भी नहीं बताया था कि भाई आप जो है 1 फरवरी से नहीं आना है, आप लोगों को ऐसा नहीं बताया था आप लोगों को, है जी, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया था। और यहाँ बाहर कोई नोटिस भी नहीं चिपकाया था भाई, कोई नोटिस भी नहीं चिपकाया था, है जी, तो कोई नोटिस भी नहीं चिपकाया। हाँ, तो यहाँ गेट पर कम से कम जो है एक नोटिस चिपका देना चाहिए था कि आप लोग 1 फरवरी से ना आए क्योंकि हम नई सिक्योरिटी एजेंसी हायर करेंगे। तो ये परेशान हो रहे हैं, 150-200 सिक्योरिटी गार्ड हैं जो यहीं पर सिक्योरिटी का काम करते थे। और मुझे लगता है हायरिंग भी चल रही शायद, है जी, ये क्या अंदर जा रहे हैं क्या ये लोग? अच्छा, नई एजेंसी जो है आ गई है, एक्टिव हो गई, उन्होंने टेक ओवर कर रखा है। अंदर का भी नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। तो RPS सवाना सोसाइटी है जो फरीदाबाद की सबसे बड़ी सोसाइटी है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, कम से कम 10,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। और वहाँ पर इन सिक्योरिटी गार्ड के साथ गलत हो गया, इनका कहना है, इनका कहना है कि इस तरह से हमें भगाना नहीं चाहिए था। सेक्टर 87 का एरिया है, सेक्टर 87-88 का एरिया है, आप लोग देख रहे हैं 87-88 डिवाइडिंग रोड है। और बिल्कुल यहाँ पर आज RWA ने टेक ओवर कर रखा है। आप देखते हैं इनका ड्यूज इन्हें दिया जाता है, जो बकाया है इन्हें दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, बाकी ये लोग भी शायद कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में दावा करेंगे जो इनका ड्यूज है वो दे दिया जाए। तो जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे, जो भी जानकारी हमें मिलेगी आपको बताएंगे। RPS सवाना सोसाइटी सेक्टर 88 से हमने आपको लाइव रिपोर्ट दिखाई है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।